Hello. Good afternoon, everybody. Hello, kids. Good afternoon. How are you all? कैसे हैं सब? Hello. Good afternoon, Sanjay. लक्ष्मी, good afternoon. अच्छा, एक चीज़ और, जब आप लोग गुड आफ्टरनून लिखते हैं, साथ पे अपना रियल नेम प्लीज़ लिखा करिए. मैं कैसे कनेक्ट करूँगी आप लोगों को? अपना रियल नेम भी लिखिए साथ में. यस, अपना रियल नेम लिखिए तो. गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल. प्रियंका, देवदत्त, संजय, ऑल आर गुड. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. वंशिका, हेलो वंशिका, गुड आफ्टरनून. जानवी, हेलो जानवी. अंशिका, हेलो हेलो. संजना, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू. आई एम फाइन, आई एम फाइन. गुड आफ्टरनून ऑल, सब ठीक है? हेलो मोनिका, हाय हाय हाय, गुड आफ्टरनून. दिव्यांश, हेलो हेलो दिव्यांश. फटाफट से अपना नाम बताओ मुझे, आप मुझे इंट्रोडक्शन दोगे तभी तो मैं आपसे कनेक्ट होंगी ना. हेलो श्रुति, वंशिका, मैंने बताया था जैसे कि हम बबल्स ऐड करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आप लोगों का, है ना. मुझे पता तो चले मेरे स्टूडेंट्स का नाम क्या है, तभी तो मैं आप लोगों से कॉन्टेक्ट होंगी, है ना. हाउ आर यू? गुड गुड, आई एम गुड श्रुति, गुड. चलिए, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो मैंने आपको करवाया था फन विद कलर, आप लोगों ने उसको किया? कंचन, हेलो हेलो कंचन, हाउ आर यू? हेलो हिमांशी, गुड. हेलो वंशिका, अच्छा तो बताइए उस दिन आप लोगों ने पेंटिंग किया जो मैंने बताया था आप लोगों को, आपने संडे को उसको किया, आपके पास तो पूरा एक दिन था, एंजॉय तो किया ही होगा आई नो, बट पेंटिंग की आपने किया? अच्छा, और मुझे जल्दी जल्दी रिवर्ट दीजिए, तभी तो मैं आगे नया करवाऊंगी ना. अगर आप मुझे बताएंगे कैसे क्या प्रॉब्लम आई है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी अगर इश्यूज आपको लग रहे हैं तो मुझे आप बताओ कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आई थी. एंड वन मोर थिंग, कि जैसे एक प्रॉब्लम थी कि पेंटिंग कैसे सेंड करनी. आप लोगों को होमवर्क रिसीव हुआ था? आप सभी को होमवर्क रिसीव हुआ था हमारी साइट पे, मैंने जो पेंटिंग पोस्ट की थी? ओके, सबने अटेम्प्ट किया उसे बनाने की कोशिश की? गुड वंशिका, गुड. भावना, हेलो भावना, कैसे हो? अनुराग, हेलो अनुराग. किया आप लोगों ने अटेम्प्ट किया? ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप अगर अपनी कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है अपनी पेंटिंग्स भेजने के लिए मुझे, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, होमवर्क करते हो, तो उसके लिए हमारी एक ईमेल आईडी है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप लिख लीजिए पेपर पेन पे कहीं पे लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे. raval.digitalmunch@gmail.com, raval.digitalmunch@gmail.com. इस पे आप अपनी कोई भी पेंटिंग मुझे सेंड कर सकते हैं, और प्लीज़ जो मैं आपको कराती हूँ उसे अटेम्प्ट ज़रूर करना, ठीक है? क्योंकि ये होमवर्क है, अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना. आप प्रैक्टिस कर करके ही तो आप अच्छी चीज़ सीखेंगे, राइट? ओके, अच्छा अब जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी चार अपने फेवरेट कलर के नाम बताओ. यस यस, हेलो अंजलि, ठीक है. आप अपने कोई भी फेवरेट फोर कलर्स के नाम मुझे फटाफट लिख के भेजो. यस,
वंशिका डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या पेंट, कौन सा पेंट यूज कर सकते हैं। मैंने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, जिन जिन के पास कलर्स मतलब अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी। पहले मुझे पहले आप सबसे पहले अपने 4 फेवरेट कलर्स के नेम बताइए, 4, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, जो भी है, ठीक है। और जो भी फेवरेट कलर्स हैं उनको अपने साथ रखो, उन्हीं का यूज करके आज हम बबल्स आर्ट करेंगे, ठीक है। किसी को वाली वो मिली, पॉलिथिन मिली जो मैंने आपको बताया था, बबल शीट्स वाली, लाइक दिस मिला किसी को? ये किस कितने लोगों को मिला, दिखाइए जरा, बताइए मुझे। ऐसी वाली पॉलिथिन कितने लोगों को मिली जरा मुझे बताइए। यस, पीच, रेड, येलो, ब्लू, अच्छा, गुड। बहुत सी वैरायटीज है बच्चों के पास, हाँ, कलर्स की। ये तो मुझे भी नहीं पता थे, ऐसे ऐसे कलर्स बच्चे बता रहे हैं मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए पहले आपको ये शीट मिली है? अच्छा श्रुति आपको नहीं मिली है, ओके। अच्छा छवि आपको मिल गई, वेरी नाइस, गुड। सो आई हैव एन अ सॉल्यूशन, जिन बच्चों को ये शीट अवेलेबल नहीं हुई है ना, मैंने उनके लिए सेम उसी पैटर्न में एक पेंटिंग और सिलेक्ट करके रखी है, ठीक है, जो मैं आपको दोनों पेंटिंग करवाऊंगी, ठीक है, दोनों ही पेंटिंग में करवाऊंगी। जिसके पास जिसको ये शीट नहीं मिली है, डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ब्रश से कुछ नई टेक्निक और बताऊंगी। तो पहले हम वो और जो जिनको ये पॉलिथीन मिली, वो जिनको मिल चुकी है ये शीट, वो भी वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट के लिए है। तो आपने ब्लैक शीट कर लिया, पेंट किया, आपने शीट को पेंट किया, आपको मैं दिख रही हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? ओके ठीक है, आप लोगों ने शीट पेंट नहीं किया, दिस वन ऐसे ब्लैक कलर का मैंने इस पे पेंट करके रखा था, जब आप होमवर्क कर रही थी तो मैं भी होमवर्क कर रही थी। किया आप लोगों ने? क्यों, जब बताया था तो क्यों नहीं किया? गुड, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जिसने शीट पे ब्लैक कलर नहीं किया है वो पूरे शीट पे पहले ब्लैक कलर अप्लाई करेगा, ठीक है। सबसे पहले ब्लैक शीट करेंगे, और मैंने करके अगर अभी मैं उस ब्लैक शीट करूंगी तो वो कलर्स जो हैं वो मतलब ख़राब हो जाएंगे जो इस पर मैं अप्लाई करूंगी, इसलिए मैंने ड्राई करके रखा है। पर आप क्या करेंगे, ब्लैक शीट जिसने नहीं किया हुआ है वो ब्लैक शीट अभी करके रखे, अदरवाइज नहीं किया है तो वाइट शीट पे ड्रॉ करे, जो मैं बता रही हूँ वाइट शीट पे कर ले, बाद में उसे ब्लैक शीट के ऊपर अप्लाई कर ले। समझ में आया? समझ में आया? अगर किसी के पास ब्लैक शीट नहीं है तो आप वाइट शीट ही ले लीजिए, व्हाइट शीट पे ही अभी करिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अभी हम सिखाएंगे विदाउट बबल्स वाला आर्ट, सबको समझ में आया? स्टार्ट करते हैं ओके ठीक है, अपनी शीट रेडी कर ली, कलर ब्रश सब कुछ है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विजिबल, क्या सबको विजिबल हो रहा है? विजिबल हो रहा है? गुड, मैंने फॉर अ सैंपल आपके लिए ये चीज बना के रखी है, दैट्स अ फ्लावर,
ठीक है, ये मैंने एक फ्लावर बना के रखा है, कलरफुल कलरफुल फ्लावर है ये, जिसमें मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है, अल्टा मरीन ब्लू लिया है, एंड देन वाइट कलर का यूज़ किया है। ठीक है, ये बबल आर्ट नहीं है, ये सिर्फ सिंपल मैं एक कलर टेक्निक बता रही हूँ जिनके पास बबल्स पॉलिथिन नहीं है। ठीक है, और इस पेंटिंग के बाद में बबल्स वाला आर्ट भी सिखाऊंगी आपको, दो चीज़ करवाऊंगी, दो पेंटिंग आपको दोनों ही घर पे बनानी है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बबल पॉलिथीन नहीं मिली है, दैट्स वाई मैं आपको ये सिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप कुछ आज की क्लास में सीखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपना मटेरियल रेडी कर लीजिए। अब बेटा पेंट देखिए, पेंट्स तो देखिए आपको ये वाले पेंट्स चल जाएंगे, ऑयल पेस्ट, ओ सॉरी पोस्टर कलर पेंट्स हैं। अगर ये नहीं, अगर आप ये नहीं है आपके पास, तो आप ये वाले कलर ले सकते हैं, फैब्रिक वाले ये कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्रेलिक, अगर आप लोगों को एक्रेलिक कलर ये अगर आपके पास है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, सबको क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट। मैंने क्या किया, मैं अभी लेती हूँ पिंक कलर, दिस पिंक कलर। ठीक है, मैंने लिया है ये पिंक कलर, मैंने पिंक कलर को ये बनाया है। पिंक कलर में मैं हल्का सा वाइट मिलाऊंगी, क्या मिलाऊंगी, हल्का सा वाइट कलर मिलाऊंगी, देखते जाइए। देखिए मैंने वाइट मिलाया, हल्का सा पानी ऐड करूंगी इसमें, ज्यादा थिक कलर नहीं लगाना, हल्का सा पानी ऐड होना चाहिए। बेटा आप पोस्टर कलर भी यूज कर सकते हो, वाटर कलर अगर यूज करोगे तो ज्यादा मतलब पानी जैसे कलर मत लगाना, थोड़ा सा थिक होना चाहिए अगर आप वाटर कलर यूज करते हो तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं कर रही हूँ, ब्रश की टेक्निक देखिएगा कि किस तरीके से कर रही हूँ। ये मैंने ब्रश लिया है 8x12 वाला, ठीक है, लाइट एंड शेड देखिएगा किस तरफ लाइट एंड शेड जा रहा है। ठीक है, विजिबल, सबको विजिबल है? देखा मैंने क्या किया, पिंक में व्हाइट मिला करके हल्का सा पूरा बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी डायरेक्ट पिंक कलर, इसको स्पेशल पिंक कहते हैं। ठीक है, अगर आप शॉप पे जाएंगे या आप कईयों के पास अवेलेबल होगा अबाउट दिस, देखा इधर हल्का लाइट, इधर हल्का डार्क। मैं लूंगी वाइट कलर, ठीक है, दिख रहा है सबको? बेटा बबल आर्ट में इसके बाद ही सिखाऊंगी, मोस्टली हार्डली 10 मिनट्स का काम है ये, 10 मिनट्स की पेंटिंग है, 10 to 20 मिनट्स मतलब मेरे को इसको मेन मेन करने में लगेगा।
30 मिनट्स में कंप्लीट है, उसके बाद मैं बबल आर्ट ही आपको बताऊंगी, ठीक है? तो डोंट वरी, जिसके पास बबल शीट नहीं है वो ये भी करेगा, जिसके पास बबल शीट नहीं है वो ये भी करेगा, खाली नहीं बैठना आपको, ठीक है? कि कहीं आप सोचे कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, नहीं, टाइम को यूटिलाइज करिए, ये सब चीजें आप आपके लिए ही है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है? मैं ले रही हूँ हल्का सा क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन कलर दिखा देती हूँ मैं आपको, वेट अ सेकेंड, दिस वाला क्रिम्सन रेड, पूरे पे नहीं करना है, कहीं कहीं बीच बीच में करना है, ध्यान से दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे, अब हम नेक्स्ट कलर लेते हैं। मैं ले रही हूं लाइट ग्रीन कलर, क्या ले रही हूं? लाइट ग्रीन कलर आप लेंगे, ये देखिए मैंने बनाया है ये लाइट ग्रीन में, मैंने हल्का सा व्हाइट मिला दिया है, देख रहे हैं? लाइक दिस, तो आप ये बनाएंगे, डन। ये साइड भी नीचे की तरफ बनाएंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, सबसे बन रहा है, सबसे बन रहा है। आपके पास अगर 12 नंबर का ब्रश नहीं है तो आप 8 नंबर ले सकते हैं, 6 नंबर ले सकते हैं, ठीक है? कोई भी नंबर का ब्रश आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादा पतला, मतलब 6 नंबर से ज़्यादा नीचे का ब्रश मत लीजिएगा, उससे आप ड्रॉ नहीं कर, उससे आप पेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह टेक्सचर उसमें शो नहीं कर पाएगा, बहुत बारीक होता है वो ब्रश। सबको दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लाइट ग्रीन में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर मिलाया है, दिखा आपको? यही कलर आपको बनाना है, बना। सिर्फ डायरेक्ट ग्रीन कलर लेंगे, ये वाला कलर सिर्फ डार्क, सॉरी लाइट ग्रीन कलर डायरेक्ट लिया है मैंने, मैंने इसको ऐसे पुश किया, मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया इसमें हल्का सा लाइट ग्रीन का। अब मैं क्या लूंगी, अब मैं लूंगी डार्क ग्रीन कलर, मैंने लिया है डार्क ग्रीन कलर, मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें डार्क ग्रीन, पानी हल्का सा मिला के। सबको दिख रहा है? दिखा सबको? मैं आपको ऐसी चीज सिखा रही हूँ कि मतलब आप 5th ऑनवर्ड्स के बच्चे इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मतलब मैंने ज़्यादा कुछ टेक्निकली यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ कलर और ब्रशेज ही यूज़ किए हैं, ठीक है? दिख रहा है आपको, आप सभी को दिख रहा है?
इतना हुआ, बनाइए। अब मैंने क्या किया, मैंने ये डार्क ग्रीन कलर लिया, दिख रहा है, इस डार्क ग्रीन कलर में मैंने हल्का सा ब्लू मिलाया। ब्लू कौन सा, ये अल्टा मेरीन ब्लू, दिख रहा है, मैं ये अल्टा मेरीन ब्लू ले रही हूँ, मिला के मैंने इसको हल्का सा डार्क टेक्सचर दिया है। अब मैं कहाँ कहाँ अप्लाई करूँगी वो आप देखिएगा, फॉर अ शेडिंग, ठीक है, मैं शेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। देखा क्लियर है, देखा क्लियर हुआ आपको, और ठीक है, अब नेक्स्ट कलर पे आते हैं। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ येलो कलर, लाइट येलो कलर ले रही हूँ मैं। अब लेमन कलर होता है ना ये कलर, मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं ले रही हूँ ये येलो कलर, लेमन कलर होता है ये, लेमन कलर यूज कर रही हूं मैं नेक्स्ट फ्लावर के लिए। देखें, अच्छा मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, आपको और कौन कौन सी पेंटिंग्स आती है, आपने और कौन कौन सी पेंटिंग्स की हुई है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों ने क्या क्या किया है, थोड़ा सा मुझे पता तो चले मेरे स्टूडेंट्स को क्या क्या आता है। अच्छा, ऑयल पेस्टल ही किया है आपने, अच्छा और कौन कौन सी टेक्निक की है, कैनवस किया है किसी ने, कैनवस आर्ट किया है, कैनवस पे कुछ ड्रॉ करके किया है, अच्छा कैनवस यूज किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, स्केचिंग पोर्ट्रेट, ओके, डॉट आर्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, स्केचिंग, स्केचिंग के स्टूडेंट्स बहुत है ना, स्केचिंग बहुत पसंद करते हैं बच्चे यार, है ना। देखिए अब मैंने इसमें ऑरेंज कलर अप्लाई किया है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको, मैंने ये येलो कलर लिया था लेमन येलो, अब मैंने सीधा डायरेक्ट ऑरेंज कलर उठाया, ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ, दस द मिक्स मीडिया, मैं मिक्स मीडिया यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों के पास, कई स्टूडेंट्स के पास कलर अवेलेबल नहीं है तो उन लोगों को मतलब ईजी रहे कि और कलर से कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए मैं पोर्ट्रेट कलर सॉरी पोस्टर कलर एंड देन साथ में आपका फैब्रिक कलर मिक्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वेरी नाइस अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी आर्ट है अब्स्ट्रैक्ट, कार्टून मेकिंग, वेरी नाइस। तो आप मुझे एक एक पेंटिंग बना के भेजना, हाँ ठीक है,
मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट्स को कैसे क्या क्या आता है, मुझे भी तो आपसे सीखने का मौका मिले ना, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। देखा बेटा मैंने ऑरेंज कलर कैसे अप्लाई किया, ठीक है बैक टू वर्क। ये देखिए आपने देखा लेमन कलर पे मैंने ऑरेंज कलर का टेक्सचर दिया है। देन अब आते हैं हम हल्का सा इसमें हम यूज करेंगे रेड कलर, ठीक है क्या कलर यूज करेंगे, रेड कलर। सब कुछ समझ आ रहा है ना, देखिए समझ में आया। देन येलो ऑरेंज एंड रेड समझ में आ रहा है सबको। इसमें थोड़ा सा लाइट हो गया है, इसको मैं रेड कर रही हूँ हल्का हल्का, थोड़ा डार्क करने के लिए क्रिम्सन कलर दे रही हूँ, ठीक है। अब ये स्काई ब्लू वाले की टर्न आ गई है। स्काई ब्लू कलर का एक मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ छोटा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्काई ब्लू वाला मैंने कैसे बनाया है, ठीक है, ताकि आपको इस कलर की थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि इसमें मैंने क्या क्या कलर यूज़ किया है, ठीक है। स्काई ब्लू कलर में आए, ओके ओके। और ईमेल आईडी मैं आपको जब पेंटिंग भेजती हूँ और उसमें जब मैं नीचे लिखती हूँ ना पेंटिंग डे वन डे टू, तो वहीं पे मैं आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए मैंने लिया स्काई ब्लू कलर दिस वन, हल्का सा मैं इसमें स्मॉल सा बना रही हूँ थोड़ा, देखा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इस पे कलर्स ये सब कलर्स अप्लाई करेंगे, ये कलर्स पे अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले जो शीट आपकी ब्लैक वाली है वो पूरी सूख जानी चाहिए, ठीक है, वरना क्या होगा ये जितना भी आपका कलर है वो फिर ब्लैकिश नजर आएगा। कोई भी आप मोस्टली कोशिश करिएगा कि फैब्रिक कलर पीछे करें, फैब्रिक ब्लैक कलर। फैब्रिक कलर क्या होता है, जब उसके ऊपर हम कोई भी कलर की कोटिंग करते हैं तो वो छूटता, उस पर कोई कलर छूटना नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक कलर अगर आपको करना है, अगर ब्लैक शीट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप फैब्रिक ब्लैक कलर अप्लाई करिएगा, अदरवाइज एक्रेलिक कलर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। मैं अब ले रही हूँ इसमें, मैंने क्या किया, मैंने अब मैं ब्लू, ये वाला ब्लू जो है अल्ट्रा मैरीन ब्लू जो है, इसमें मैं हल्का सा वाइट मिला रही हूँ, ठीक है। अल्ट्रा मैरीन में मैं हल्का सा वाइट कलर मिला रही हूँ, देखिए दिख रहा है, मैंने वाइट कलर मिला के इसको हल्का सा लाइट कर लिया। अब देखिए ठीक है, दिख रहा है सबको ना, सबको दिख रहा है, विजिबल है, करिए इसको। गुड, अब क्या करेंगे, इसमें डेप्थनेस देने के लिए मैं डायरेक्ट ब्लू कलर ले रही हूँ, डायरेक्ट ब्लू कलर ले रही हूँ, पर्शियन ब्लू ले रही हूँ, सॉरी पर्शियन ब्लू मैंने लिया है, ये पर्शियन कलर,
पर्शियन ब्लू जो होता है वो डार्क होता है बिल्कुल एस लाइक दिस, हल्का सा ब्लैकिश लगता है, पानी मिला लेना इसमें, ज़रा सा पानी मिलाऊंगी। अब मैं हल्का सा पर्शियन ब्लू इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। ठीक है, ग्रीन में भी कहीं कहीं पर्शियन ब्लू आप डाल सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें और इजीली बनाएं, क्योंकि मैं अगर स्पीड में करूँगी तो आप स्पीड में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें समझा के करवा रही हूँ, आपकी ही कन्वीनियंट के लिए करवा रही हूँ मैं। डन हुआ, देखिए इसको, कॉपी करिए इसको। बन गया, सबको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। चलिए अब लेते हैं वाइट कलर। अब डायरेक्ट मैं वाइट कलर ले रही हूं। मैंने लिया वाइट कलर, मैं ब्रश ले रही हूँ आपका एट नंबर ब्रश ले रही हूँ। मैंने लिया वाइट कलर, अब मैं क्या कर रही हूँ ध्यान से देखना सब बच्चे, मैंने ये ब्रश यहाँ पे लिया और एक सांस में ये मार दिया स्ट्रोक। क्या किया, नीचे रखा और एक स्ट्रोक मार दिया, राइट? आप लोग भी ऐसे करेंगे। ठीक है, मैंने फिर एक लिया और एक स्ट्रोक फिर मार दिया। ठीक है, मैंने फिर वाइट कलर लिया, मैंने ये एक स्ट्रोक, यहाँ मैं दिखा देती हूँ ऐसे, मैंने ये वाइट कलर लिया और फिर एक स्ट्रोक मार दिया। ठीक है, अब ये इस वाले की बारी है। मैंने वाइट कलर लिया, फिर से मैंने ये स्ट्रोक बनाया और ये मैंने बना दिया लाइक दिस। ठीक है, दिख रहा है, विजिबल। बनाइए, और अच्छे से दिखेगा आप। ठीक है, मैं व्हाइट कलर फिर ले रही हूँ, मैं फिर से वाइट कलर ले रही हूँ। कहीं कहीं पे ट्री में मैं लाइट एंड शेड टेक्सचर दे रही हूँ, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होना चाहिए, हल्का सा पानी मिलाइएगा, बिल्कुल लाइट सा मारना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाइट सा स्ट्रोक देना है कहीं कहीं पे। लाइक दिस,
फिर मैं व्हाइट कलर उठा रही हूँ, पानी ज़्यादा होना, तो मतलब ज़रा सा पानी लिया है साथ में, हल्का सा स्ट्रोक मार रही हूँ। ये पेंटिंग जब आपकी गीली हो, मतलब कलर ज़्यादा सूखे ना हो, मतलब कम सूखे हुए कलर्स हों, तभी वाइट कलर अप्लाई करना, तो वो अच्छा लुक देंगे, ठीक है, तभी वो मर्ज हो जाएंगे तो और ब्यूटीफुल लुक देगा लाइक दिस, ठीक है। इजी है, इजी है स्टूडेंट्स, इजी है या मुश्किल है, टफ है या इजी है, बताइए। जानवी, अंशिका, लक्ष्य, देखा व्हाइट कलर वेरी वेरी इजी ना, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है ये आप सबकी तरह, मेरे सारे स्टूडेंट्स की तरह ये पेंटिंग भी ब्यूटीफुल है ना, आप सब भी ब्यूटीफुल हो, बॉयज भी ब्यूटीफुल है, हाँ। चलो बैक टू वर्क, हू सेड कि मैम बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है बेटा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं तो सिर्फ ब्रश में कलर लगा रही हूँ और फटाफट स्ट्रोक मार रही हूँ और कुछ नहीं किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया। आप इसका 3 से 4 बार घर में अटेम्प्ट करोगे ना, आपको ये बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हो, पता है, आप अटेम्प्ट तो करके देखना, बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। और ये तो छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से बनाते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे इससे और थोड़ा टिपिकल बनाते हैं, इसमें तो मैंने बहुत 3-4 कलर यूज़ किए, वो और भी चीज़ों का बनाते हैं और सारे ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। मैं देखिए आज ना आपकी सेकेंड क्लास है, अब मैं आपको इतना टिपिकल दे दूंगी कि इतना टिपिकल कि आप करना पाए तो फिर आप बोलेंगे कि मैम तो टिपिकल कराती है ना, आप बोलेंगे कि मैम टिपिकल कराती हैं तो फिर आप कैसे कर पाएंगे, तो मैं आपके हिसाब से इजी करा रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में जो आगे आने वाली क्लासेस है उसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज करवाऊंगी, अभी मैं आपको ना कलर नॉलेज सिखा रही हूँ बेसिकली। कल से हमारा जो शुरू होगा वो होगा डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, ये तो कलर बेस्ड हो गया, अब थीम बेस्ड काम होगा हमारा, ठीक है, कि हम थीम बेस्ड क्या चीज़ बना सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा इसलिए कम किया बेटा क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर ज़्यादा हो गया था तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने ये इस तरह यूज़ किया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, मैं लूँगी वाइट कलर लाइक दिस, मैंने वाइट कलर लिया ऐसे, ठीक है, वाइट है, सिर्फ वाइट कलर है। एक ब्रश ऐसे लूँगी, ये ब्रश लिया और तीन से चार स्ट्रोक मार दिया, समझ में आया, क्या किया मैंने, ब्रश लिया जिसमें व्हाइट कलर लगाया है वो ऊपर लिया और ऐसे इस पे 2 से 3 बार 3 डायरेक्शन मारा, 1 2 3, इससे क्या हुआ, जो इसकी व्हाइट कलर था वो इस पे स्प्रेड हो गया और ये इसको और ब्यूटीफुल लुक देगा लग रहा है। अच्छा, कोशिश करना कि जो ब्लैक एरिया है ना उस पे ज्यादातर ये स्प्रेड हो, इससे क्या होगा कि ब्लैक लुक और अच्छा लगेगा हमें, ठीक है, समझ में आया, हाउज इट, चलिए अब आते हैं बबल आर्ट पे, ये सब क्लियर हुआ ना, अब बबल आर्ट पे आते हैं हम। ये ली मैंने ब्लैक शीट, ये मैं आपको लास्ट में रिव्यू दूंगी बेटा, अभी टाइम निकल जाएगा इसलिए बबल जिनके पास पॉलिथीन है उनको मैं पहले बबल आर्ट सिखा दूं,
ठीक है, ओके स्टार्ट बबल आर्ट। मैंने तीन से चार शीट्स ऐसी मैंने कट करके रख ली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट उसमें सॉरी शेप में, ठीक है दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में मैंने ये शीट्स कट करके रख ली। ये देखिए मैंने फोर ही काटे हैं और मुझे लगेगा कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उस हिसाब से और ले लूँगी। चलिए पहले पहली शीट उठाई मैंने, मैंने क्या लिया, मैंने लिया ब्रश। मैंने ब्रश पे क्या अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया पहले वाइट कलर, ध्यान से देखिएगा दिख रहा है सबको बबल आर्ट वालों को, मैंने ऊपर किया वाइट कलर डार्क डार्क, ठीक है मैंने लिया वाइट कलर और बहुत थोड़ा सा डार्क डार्क किया क्योंकि पॉलिथीन है तो उस पर कलर ईजली चढ़ता नहीं है, ठीक है मैंने लिया पिंक कलर, पिंक कलर मैंने आधे पे किया पिंक कलर, दिख रहा है सबको, कलर ज़्यादा लीजिएगा तभी इस पे चढ़ेगा, दिख रहा है सबको। मैंने हाफ पे क्या लिया है, मैंने हाफ पे लिया है पिंक कलर, वाइट कलर थोड़ा सा डार्क कर दूँ मैं वरना विजिबल नहीं होगा। फिर मैंने लिया नीचे क्रिम्सन कलर, क्या लिया क्रिम्सन कलर, दिख रहा है सबको क्रिम्सन कलर, ये ले लिया मैंने क्रिम्सन कलर। बबल आर्ट वाले सारे लगाएंगे जिनके पास है और जिनके पास नहीं है प्लीज़ फाइंड आउट करिए, अपने घर में आपके ज़रूर होगा, ये कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा आपके घर में पता करेंगे तो, ठीक है बहुत अच्छी आर्ट है। ये मैंने लिया, मैंने एक साइड में ये ऐसे दबा दिया, रख दिया मैंने उल्टा, ठीक है क्या किया मैंने इसको उल्टा ऐसे रख के छोड़ दिया, भूल गई मैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लगाया है, ठीक है अब हम दूसरा रेडी करते हैं, ठीक है ये हो गया अब मैं दूसरा ले रही हूँ। मैंने लिया दूसरी शीट, दोनों में से जो सही लगे मैं छोटी ले लेती हूँ थोड़ा सा, ये छोटी शीट ली है मैंने थोड़ी सी। मैंने क्या किया अब मैंने फिर लिया वाइट कलर, मैंने फिर लिया वाइट कलर, एक सेकेंड प्लीज, हाफ पे वाइट कलर लगा दो, हाफ पे वाइट कलर लगा दो, ठीक है मैंने लिया लेमन येलो, लेमन येलो, लेमन येलो लाइक दिस, लेमन येलो।
ये ब्लैक शीट के ऊपर मत करिएगा, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी। मैंने साइड में इसीलिए कर दिया क्योंकि ब्रश में कर रही हूँ तो उसकी छींटे उस पर पड़ रहे हैं, तो मैंने वो साइड कर दिया। आप लेंगे येलो कलर, आपने येलो कलर इसमें अप्लाई कर दिया, हाफ में किया येलो कलर, ठीक है। अब आती है हमारी बारी लाइट ग्रीन कलर की। मैंने लिया लाइट ग्रीन कलर, मैंने लाइट ग्रीन कलर इसमें अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, मैंने फिर शीट ली, मैंने शीट की ये साइड में एक एरिया चूज किया, मैंने फिर इसको यहाँ पे रख दिया, फिर दबाया और छोड़ दिया। अब पहले वाले पे आते हैं। मैंने पहली वाली शीट क्या की, ये मैंने उठा दिया, दिखाई दिया, समझ में आया, दिखा। ओके, अब मैंने फिर क्या किया, अब मैंने दूसरी वाला भी उठाया, मैंने फिर उठा के ऐसे हटा दिया। कैसा लगा, समथिंग डिफरेंट, अच्छा लग रहा है। चलो अब ऐसे एक और बनाते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एरिया जो खाली है उसके लिए चूज करते हैं हम। मैंने फिर से एक लिया, मैंने ये थोड़ा छोटा पीस का लिया है, इस बार मैंने वैरायटी दूसरी चूज की है इसकी, ठीक है, दिख रहा है। मैंने जो शीट ली है, ये पॉलिथीन शीट जो ली है मैंने, मैंने इसका साइज छोटा कर दिया। आपके पास अगर ऐसी शीट है तो छोटी है तो छोटी साइज में इसको काट लीजिए, ठीक है। मैंने इस बार क्या लिया, मैंने फिर से वाइट कलर लिया, मैंने फिर से वाइट कलर लिया, मैंने इसमें अप्लाई कर दिया छोटे से एरिया में। अब मैं क्या लूंगी, अब मैं लूंगी ऑरेंज कलर, उसमें मैंने आधे में ऑरेंज अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, ऑरेंज अप्लाई किया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी रेड कलर, अब मैं रेड कलर अप्लाई करूंगी ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, रेड कलर किसका फेवरेट है, सभी का होगा रेड कलर तो, मेरे ख्याल से सबको रेड कलर पसंद आता है, नहीं? गुड, ये देखो हुआ। अब क्या किया, अब क्या करेंगे पता है ना सबको, व्हाइट कलर थोड़ा डार्क कर दूं मैं, थोड़ा सा मर्ज हो जाए इसमें। अब मैंने लिया और मैंने फिर ऊपर इसको यहाँ प्लेस कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फिर मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। कितना हुआ सबका, इतना हुआ, छोड़ दिया। अब मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ, मैं नेक्स्ट शीट ले रही हूँ, वेट अ सेकेंड। इतना आप ड्रॉ करिए, मैं नेक्स्ट शीट ले रही हूँ, एक सेकेंड, इतना करिए आप, कर लिया, नेक्स्ट पे आए। मैंने फिर ये शीट ली, मैंने इस पे अब वाइट की जगह पे क्या अप्लाई करूंगी, मैं अप्लाई करती हूँ येलो, नहीं सॉरी स्काई ब्लू, स्काई ब्लू करती हूँ, स्काई ब्लू मैंने अप्लाई किया ऊपर, हल्का सा वाइट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, मैंने हल्का सा वाइट कलर अप्लाई किया ऊपर, वाइट कलर रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं तो इट्स ओके, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं वाइट कलर इसलिए ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आता है, 3D 2D आर्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है क्लास स्टूडेंट, सॉरी 3D मतलब क्या होता है, 3D मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, जिसको हम
तीनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब पहले वाला क्या किया, उठा दिया। इसको क्या करूंगी मैं, अब मैं इसको अब उठा दूंगी। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि इसमें हल्का सा व्हाइट कलर जो है वो दिख नहीं रहा, तो मैं हल्का सा व्हाइट कलर बाय यूजिंग ब्रश शो कर दूंगी। ठीक है, ऐसे जैसे कई लोगों का हो जाता है, बाय चांस मिस हो गया या दिख नहीं रहा है, तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कि बबल शीट ही हम इस्तेमाल करें, बिकॉज इसकी वजह से ही हमारा लुक अच्छा आएगा। ठीक है, यस। दिख रहा है, राइट। आप कौन सा कलर्स लें, आप कौन से कलर्स लें बताइए, आप कौन से कलर्स लें? मैंने कैमरा इसलिए ऑन किए बिकॉज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर इमेज पता चले कि कौन कौन से कलर्स हैं। कई बार लाइट ऑफ करने से पता नहीं चलता है कम लाइट में। ठीक है, हाँ, आप ये भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, वाइट पिंक एंड पर्पल। वाइट पिंक एंड पर्पल हो गया, एक हो गया रेड है, रेड ऑरेंज येलो जो मैंने ले ही रखा है, पीच कलर यूज कर सकते हो। आपके पास सो मेनी वैरायटीज इज देयर, ओके। हाँ, देयर इज सो मेनी वैरायटीज ऑफ कलर, तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। मैंने तो बेसिकली वो कलर्स यूज किए हैं जो प्राइमरी हैं, जो मतलब जो हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं, राइट? तो आप ये कलर यूज कर सकते हैं, और भी कोई कलर यूज कर सकते हैं, पीच कलर ले सकते हैं, यस, राइट। मेरे पास एक छोटा सा पीस ये बचा है, इसको भी मैं कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे, यहाँ एडजस्ट करके बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना? अब इसमें बताइए कौन सा कलर लें, जल्दी जल्दी बताइए। रेड ऑरेंज तो ले लिया, येलो ग्रीन भी ले लिया, ब्लू भी हो गया, अब क्या लें इसमें बताइए। एक काम करते हैं, परमानेंट थोड़ा सा येलो, मैंने लेमन येलो लिया, मैंने क्रोम येलो नहीं लिया ना, तो अब क्रोम येलो लेते हैं। ठीक है, क्रोम येलो ऐसा होता है, दिखाती हूँ आपको मैं, दैट्स द क्रोम येलो कलर, लाइक दिस, ओके। वाइट जरूर मिलाइएगा, व्हाइट मिलाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लुक आता है। ब्लैक शीट पे बहुत ज़्यादा शाइन थोड़ा सा लगता है, वाइट कलर बहुत ग्रेसी लगता है, तो वाइट कलर ज़रूर ऐड करना। देखिए वाइट कलर, मैं लाइट एक बार ऑफ कर रही हूँ, प्लीज़ देखिए। ठीक है, मैंने वाइट कलर इसमें मर्ज किया है, और अब नीचे की तरफ, ओके, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मैंने ये हटा दिया। ठीक है, अब जल्दी से क्या करना है कि किस तरीके से और हम चीजें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट कलर ही लेंगे, जैसे उसमें हमने लाइनिंग टेक्सचर दिया था, इसमें भी हम वही लाइनिंग टेक्सचर दे सकते हैं, लाइक दिस। लाइक दिस, ये ऐसे हम ट्री टेक्सचर दे सकते हैं इसमें, ऐसे मारा, ये लिया, ये लिया, ये लिया, और ट्री का टेक्चर दे दिया। इसको एज अ फ्लावर भी टेक्चर दे सकते हो। मैंने ये ट्रीस ले दिया क्योंकि मैंने उस वाली टेक्निक में आपको फ्लावर पैटर्न बताया था, तो इसमें मैंने आपका ट्री टेक्चर ले लिया ताकि आप इसको
अगर ट्री की तरह भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और अपोजिट भी कर सकते हैं। अच्छा क्लास, किसी को डूडल आर्ट के बारे में पता है क्या होता है? डूडल आर्ट, एनीबडी नो अबाउट द डूडल आर्ट? डूडलिंग, डूडल आर्ट, एनीबडी नो? यस, किसी ने डूडलिंग की है पहले? कितने स्टूडेंट्स ने डूडलिंग की है पहले, डूडल आर्ट किया है? अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ने डूडलिंग आर्ट की है? नहीं, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं की है। पता है क्या होता है ना कि डूडल आर्ट ऐसी आर्ट है कि हम कभी कभी जाने अनजाने भी करते हैं उसे। हमें पता होता है कि डूडल आर्ट क्या होता है, हम लोग डूडल आर्ट अपनी डेली लाइफ में करते भी हैं, पर बेसिकली हमें ये नहीं पता होता कि ये डूडल आर्ट है, ये क्या है, इसका नाम डूडल आर्ट क्यों पड़ा। दिख रहा है ये सबको? बैक टू वर्क। दिखा सबको? दैट्स द फिनिश इमेज, हाउ इज इट? इजी है? इजी है क्लास? मैंने व्हाइट कलर से इसकी ब्रांचेस दे दी है, ब्रांचेस नीचे थोड़ी मोटी होती है, ऊपर जाते जाते पतली हो जाती है। और ये देखिए ध्यान से, सबको समझ में आ रहा है? अब मैंने फिर से व्हाइट कलर लिया, देन ये मैंने ब्रश लिया, और फिर से वो वाला स्ट्रोक मारेंगे, मैजिकल वाला स्ट्रोक। कैसे होता है, इसको बोलते हैं मैजिकल स्ट्रोक, ठीक है, क्योंकि ये पेंटिंग में मैजिक ले आता है। कैसे? ऐसे, 1 2 3 4, मैजिक। कम हो गया थोड़ा, मैजिक नहीं, और मैजिक लाइन, 1 2 3 4। दिखा मैजिक? दिखा सबको? ठीक है ना, ऐसे मैजिक आप भी मुझे भेज सकते हैं बना के सुंदर सुंदर सा, ठीक है? यस, फॉर अ फिनिशिंग। थोड़ा थोड़ा सा मैं कहीं कहीं पे टच दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी की जो क्लियर इमेज है, जो भी है, मतलब आपको अगर जो क्लियरली समझ में आएगा वो मैं आपको पिक्चर भेजूंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैम ने क्या किया है इसमें। पर ये आपका फाइनलाइज्ड है सारा इसमें। और एक चीज़ और, वन मोर थिंग क्लास, कि अगर आपको जैसे मुझे कुछ इश्यूज सुनने में आए थे कि स्टूडेंट ने कहा कि मैम हमारा टेप करते समय जब हम टेपिंग करते हैं साइड साइड में बॉर्डरीज की, तो दिक्कत आती है कि उसको फटने का डर रहता है, राइट, कि साइड में हमारी पेंटिंग को खराब ना हो जाए। तो उसके लिए एक और मेथड मैंने वो किया है कि आपको मैं एक माउंटिंग का एक नया तरीका बता देती हूँ कि कैसे करना है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने शीट्स काट ली, मैंने एक वाइट शीट लिया, ब्लैक है हमारा सरफेस, तो मैंने वाइट शीट ली और वाइट शीट का मैंने बॉर्डर काट लिया, और इसको मैं चारों तरफ ऐसे कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी बाय यूजिंग ऑफ फेबिकोल, या फिर किसी भी तरीके से हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से आप चारों तरफ इसे बॉर्डर दे सकते हैं। बाकी क्लियर इमेज जो होगी मैं आपको फोटो पे जो सेंड होगा होमवर्क उसमें मैं आपको कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, इस तरीके से व्हाइट माउंट आप दे सकते हैं इसे, इट्स लुक वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है क्लास?
चलिए आप फटाफट एक नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दूँ, क्योंकि टाइम इज ओवर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक वो दे दूँ आइडिया। वेट, विजिबल, सबको क्लियर है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्लास? यस। सो कैसा लगा आज का वर्क? मैं आपको एक बार फाइनल इमेज दिखा देती हूँ सारी। वन, ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या हमने किया है। ये मैंने बेटा देखो दो पेंटिंग आपको इसीलिए बताई ताकि मुझे क्वारीज आई कि मैम हमारे पास शीट नहीं है, तो मैंने सोचा अगर शीट आपके पास नहीं है तो किस तरीके से आप काम करेंगे, तो मैंने आपको फिर ये चीज़ बाय यूजिंग ब्रश बताया है। और सेकेंड थिंग इज ये, ठीक है, ये है आपका बबल आर्ट। ठीक है, बाकी इसकी जो इमेज है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारा डूडल आर्ट का ही है, जो हमारी थर्ड क्लास होगी वो हम डूडल आर्ट स्टार्ट करेंगे। और जो डूडलिंग करेंगे वो उससे हम बनाएंगे गणेशा, डूडलिंग गणेशा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप A4 साइज शीट ले लीजिएगा, एंड देन एक 3D मार्कर आता है आपका, CD मार्कर जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक दिस, ये होता है CD मार्कर, ब्लैक कलर का CD मार्कर लेंगे, और साथ में ब्लैक कलर का आपको स्केच पेन लेना है तो स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक जेल पेन यूज़ करना है तो कर सकते हैं। बट ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेसी होता है, शाइनिंग वाला होता है, और मतलब जो हमें काम करना है ये इसी से ही वो पॉसिबल हो पाएगा, इस 3D मार्कर से। ये पतला वाला होता है, देखिए, राइट। तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। हमारे पास येलो कलर होना चाहिए क्योंकि हम बेस पे येलो कलर अप्लाई करेंगे। और प्लीज़ बेटा, जो आपको बोला जाता है कि आप ये करके रखिएगा, इससे आपका टाइम सेव होगा, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये चीज़ करके रखिए। ठीक है, तो येलो कलर है वो आप अपने A4 शीट पे करके रखेंगे। येलो मीन्स क्रोम येलो, जो कलर होता है क्रोम येलो, नॉट अ लेमन येलो। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास अभी जो एक्रेलिक में है यूज़, जिसे कहते हैं क्रोम कलर, ये वाला क्रोम कलर, ये पोस्टर में भी होगा, फैब्रिक कलर में भी होगा, एक्रेलिक में भी होगा, जिसमें भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप येलो कलर करिए। और प्लीज़ मटेरियल ज़रूर रखिए अपने साथ हमेशा, जैसे कलर्स तो आपको पता ही है कि पेंटिंग है तो पेंटिंग में मोस्टली कलर्स का ही इस्तेमाल होगा। कलर्स आपको ऑयल पिस्टल है, स्केच कलर है, ये सब आप अरेंज कर लीजिए, पेंसिल कलर, स्केच कलर, पोस्टर कलर, ये सब चीज़ें आपका अगर क्लास ख़त्म भी हो जाए तो वो ये आगे भी यूज़ रहेगा आपका, ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम ही इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी किट खरीद लीजिए अगर अवेलेबल हो पाती है तो, क्योंकि बार बार मार्केट जाने से अच्छा है कि एक ही बारी में आप इसे अरेंज कर लीजिए। हाँ, इट्स अ परमानेंट मार्कर। ठीक है, A4 शीट बता दिया मैंने, स्केल, ये सब चीज़ें आप अरेंज करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, या और जो ईमेल आईडी है मैंने आपको बता दिया है कि ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपको जो मैं पेंटिंग भेजूंगी, मैं नीचे पेंटिंग के नीचे हमारा जो रावल मंच की आईडी है उसको दोबारा रिटर्न में भेज दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा कि मैम आप मुझे रिटर्न सेंड कर दीजिए। फिर भी अगर कोई लिखना चाहता है तो प्लीज़ लिख ले raveldigitalmunch@gmail.com, जिसमें आप हमें पेंटिंग सेंड कर सकते हैं। और लास्ट में कॉम्पिटिशन होगा, उससे प्लीज़ अटेंड ज़रूर करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एनी क्वेरी? बेटा थिन मार्कर है ये, देखिए आगे से पतला है, जिसे स्केच पेन वाला होता है सेम वही मार्कर यूज़ करना है आपको।
ठीक है, इसको 3D मार्कर, ये वाला CD मार्कर जो होता है ना, CD मार्कर जिसे बोलते हैं, वो CD मार्कर वो आपको लेना है। और अगर इससे पतला कोई और, मतलब ऐसे ही पतला है कोई और, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ रखिएगा, ताकि हम क्लास में नेक्स्ट आपको करा सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डूडलिंग आर्ट। आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, ये मैंने बताया बबल से, और देन ये बताया मैंने ब्रश आर्ट। ठीक है, इसको आप बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे, ताकि मैं देखूं कि हाँ क्या रिस्पॉन्स है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो एंजॉय किया आज की क्लास, आज की क्लास एंजॉय किया। गुड, वेरी नाइस, गुड, वेरी 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 नाइस। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता किस चलेगा आप एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी पेंटिंग्स भेजेंगे तभी तो पता चलेगा ना मुझे। ईमेल आईडी पे करिएगा, नंबर पे नहीं। ठीक है, थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अ कमेंट, योर रिगार्ड। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी और कौन कौन सी आर्ट फॉर्म्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कार्ट्री शीट लेनी है बेटा, कार्ट्री शीट लेनी है, कार्ट्री शीट आपकी जो ड्राइंग की शीट होती है वो भी चल जाएगी, जैसे ड्राइंग पर वो कार्ट्री शीट ही होती है, यूज द कार्ट्री शीट। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, एंजॉय योर डे, थैंक यू, बी सेफ, नमस्ते।